नमस्कार, जनधन टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज पूरे देश में बैंकों की हड़ताल है। विलय के खिलाफ देश भर के बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। AIBEA और BEFI की तरफ से यह हड़ताल की घोषणा की गई है। तो बता दें कि देश भर के कई बैंकों में आज हड़ताल रहेगी। बैंकों के विलय के विरोध में दो यूनियन अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ और भारतीय बैंक कर्मचारी परिसंघ ने 24 घंटे की हड़ताल बुलाई है। बैंक संगठन ने देश भर में बैंकों के विलय को रोकने, बैंक कर्मियों की सुरक्षा को पुख्ता और सभी बैंकों में भर्ती जैसी मांगों को लेकर यह हड़ताल बुलाई गई है। और हालांकि भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑफिसर्स और इनसे जुड़ी बैंक यूनियंस इस हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। हालांकि हड़ताल वाले दिन भारतीय स्टेट बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक खुले रहेंगे। मुख्य तौर पर यह हड़ताल सरकार के 10 बैंकों के विलय के विरुद्ध बुलाई गई है। दरअसल बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 10 बैंकों के विलय का ऐलान किया था। इसके बाद 4 नए बैंक अस्तित्व में आ जाएंगे। वहीं आंध्रा बैंक, इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो बैंक यूनियन का कहना है कि इस विलय से बैंकिंग सेक्टर में लोगों की नौकरियां जाएंगी। इसके अलावा बैंक यूनियन जमा राशि पर दरों में गिरावट का भी विरोध कर रहे हैं। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंशु पवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंशु, जिस तरीके से आज कर्मचारी बैंक के दो हड़ताल पर है, क्या कुछ जानकारी? जी ममता, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हड़ताल है और इसकी वजह से कामकाज पूरी तरह से प्रभावित रहेगा। आपको जानकारी दे दें कि बीते दिनों वित्त मंत्री ने ऐलान किया था जिसके तहत 6 बैंकों का विलय 4 बैंकों में किया गया था। और अगर बैंक बंद रहते हैं तो इसका पूरा असर आम जनता पे देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बैंक बंद रहेंगे तो ATM में कैश की किल्लत हो सकती है और इससे कामकाज पूरी तरह से प्रभावित होगा। तो जिस तरह से ये बैंक मर्जर हुआ है, इसका ये यूनियन विरोध कर रही है। आपको जानकारी दे दें कि ये जो हड़ताल है, इसका आह्वान ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन यानी कि AIBEA के साथ साथ बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि BEFI की तरफ से किया गया है। हालांकि अधिकारी और निजी क्षेत्र के जो बैंक क्षेत्र के जो अधिकारी हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे। आपको मांगों के बारे में भी बता देते हैं कि किस तरह क्यों ये विरोध किया जा रहा है। जैसे कि हमने बताया कि बीते दिनों जो छोटे PSB बैंक यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक का जो मर्जर हुआ था, उससे ये बैंक कर्मचारी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। बीते दिनों यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ था। सिंडिकेट बैंक की अगर बात करें तो इसका विलय कैनरा बैंक में हुआ था। इलाहाबाद और इंडियन बैंक का मर्जर किया गया था। साथ ही आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्जर हुआ था। तो ये तमाम बैंक मर्ज कर दिए गए थे और इसी का विरोध अभी एसोसिएशन कर रहा है। और साफ तौर से बैंक बंद रहेंगे तो ATM पे कैश की किल्लत होगी और आम जनता को इसकी परेशानी झेलनी पड़ेगी। जी, लेकिन अंशु, देश के जो सबसे बड़ा बैंक है SBI और कुछ अन्य बैंक भी हैं, ये दावा कर रहे हैं कि इस हड़ताल का असर ज्यादा बैंक के ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा। दावा कर रहे हैं, लेकिन कैश की दिक्कत डेफिनेटली 2-4 होना पड़ सकता है। अब देखना ये होगा कि जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दावा कर रही है तो ये कितना पुख्ता साबित होता है। जी, और अंशु, अगले 9 दिनों में भी बैंक बंद रहने वाले हैं क्योंकि दिवाली का त्यौहार है, उसको लेकर भी बैंक बंद रहेंगे। और अभी त्योहारी सीजन है, लोगों को पैसे ज़्यादा चाहिए होंगे और इस वजह से अगर इस तरीके से अगर आज हड़ताल और 2 दिन बाद सैटरडे संडे फिर उसके बाद दिवाली का त्यौहार, इसको लेकर भी बैंक बंद होंगे, तो किस तरीके से इन सब चीज़ों को मैनेज किया जाएगा? क्या इसके लिए बैंक की तरफ से कोई कोशिशें की जाएंगी? जी डेफिनेटली, बैंक हड़ताल पे जाने से पहले इन चीजों को कोशिश ये भी करेगा कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना हो लोग इस हड़ताल से, क्योंकि आम जनता की इसमें कोई गलती नहीं है। सरकार का विरोध ये यूनियन कर रहे हैं और हड़ताल के बाद अब जैसा कि आपने कहा कि बिल्कुल दिवाली का मौसम है, त्योहारी सीजन में है हम, और ऐसे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा कैश की जरूरत होगी। तो शनिवार 26 अक्टूबर को महीने का 4th शनिवार है, उसके बाद रविवार आएगा। वैसे ही बैंक इसमें बंद रहते हैं,
सोमवार को 28 अक्टूबर है जिस दिन गोवर्धन पूजा होगी और मंगलवार 29 अक्टूबर को भाईदूज है। इस दौरान भी राज्य में बैंक बंद रहते हैं। बैंक के विलय की जो प्रक्रिया है उसके खिलाफ ये सरकार के जो कदम है मर्जर को लेकर एसोसिएशन उसी को लेकर विरोध अपना जता रहा है। जहां तक कि आपने पूछा कि किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, अभी तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यही कहा गया है कि आम जनता को परेशानी नहीं होगी, ऐसा पर्याप्त कैश एटीएम में अवेलेबल होगा। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी कि एटीएम में कैश अवेलेबल रहता है क्योंकि एक त्योहारी सीजन में है तो ऐसे में कैश की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अंशु, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।